कलाई में होने वाली गैंग्लियोनिक सिस्ट एक बहुत ही आम तकलीफ है। कलाई में ऊपर की तरफ इस जगह पे या फिर अंदर की तरफ इस जगह पे छोटे छोटे सिस्ट बन सकती हैं, जिनको हम अपनी मेडिकल भाषा में गैंग्लियोनिक सिस्ट बोलते हैं। यह एक नॉन ट्यूमरस कंडीशन है, मतलब इसमें कोई गठान या कोई कैंसर नहीं होता है, पर छोटी सी रसोली जैसी छोटी सी गठान जिसमें सिर्फ पानी होता है या जिसमें सिर्फ एक साइनोवियल फ्लूइड होता है या गैंग्लियोनिक सिस्ट होती है, वो बन जाती है। 70-80% केसेस में ये ऊपर की तरफ बनती है और करीबन 20% केसेस में ये अंदर की तरफ बन सकती है। जब ये ऊपर की तरफ बनती है तो ये स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट होता है वहां से बनती है, और जब अंदर की तरफ बनती है जैसे मैंने आपको बताया 20% केसेस में, तो ये रेडियोकार्पल लिगामेंट या एसटीटी जो लिगामेंट एसटीटी जॉइंट होता है वहां से निकल के आती है। यह आमतौर पे एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसका अभिप्राय यह है कि ये जो गैंग्लियोनिक सिस्ट होती है इसके कारण से मरीज को किसी तरह की परेशानी या दर्द नहीं होता है। करीबन 90% केसेस में यह तकलीफ एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब मरीज को सिर्फ दिखने में वो रसोली खराब लगती है, दिखने में ये गैंग्लियोनिक सिस्ट खराब लगती है, परंतु उसके साथ कोई और तकलीफ जैसे दर्द या और कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ एक मरीजों में 5-1% मरीजों में आपको दर्द महसूस हो सकता है, और बहुत ही थोड़े मरीजों में, खासतौर पे जो गैंग्लियोनिक सिस्ट अंदर की तरफ बनती है उसमें अंदर की जो नसें होती हैं जिसको मीडियन नर्व या अल्ना नर्व बोलते हैं, वो नसें अगर दबती हैं तो आपके हाथों में सुनपन की तकलीफ आ सकती है। अब ये क्यों बनती हैं इसके बारे में कई सारी धारणाएँ हैं। कई बार चोट लगने के कारण बन सकती है, अगर आपको गठिया बाह्य की तकलीफ है तो उसमें बन सकती है। कई बार आपको माइक्रो ट्रॉमा रिपीटेड एपिसोड, मतलब बार बार आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो उसके कारण भी बन सकती है। कई बार ये म्यूकोइड डीजेनरेशन कारण बनती हैं, और कई बार जो आपके लिगामेंट छोटे छोटे लिगामेंट होते हैं कलाई में उसके अंदर साइनोवियल हर्निएशन हो जाता है उसके कारण भी ये बन सकती हैं। तो कई सारी धारणाएं हैं कि ये क्यों बनती हैं, परंतु समझने वाली बात यह कि अगर ये बन जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक साधारण जो है रसोली होती है, साधारण सिस्ट होती है, और इसमें कोई तरह का ट्यूमर नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपके जो कलाई के अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो एक जोड़ों का पानी है, वो जोड़ का पानी ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाता है। दिखने में ज़रूर ख़राब लगती है ये, और इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी हम काफ़ी कम जो है वो एग्रेसिव रहते हैं। अधिकांश केसेस में हम मरीज को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, कुछ उसमें एक्टिव प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाती है। खासतौर से छोटे बच्चों में, अगर मैं कहूँ पीडियाट्रिक मरीजों में, करीबन 70% जो है केस अपने आप से ठीक भी हो सकते हैं। एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको गैंग्लियोनिक सिस्ट है और ऊपर की तरफ है तो अपने अंगूठे से उसको जोर से प्रेस करें, और इस तरह से प्रेस करें कि वो जो सिस्ट का पानी है वो जहाँ से आया है वहीं पर जोड़ में वापस चला जाए। तो ये एक जो है इसको हमारी भाषा में क्लोज्ड रप्चर बोलते हैं, जो अंगूठे के प्रेशर से किया जा सकता है। ये करीबन 70-75% तक सफल हो सकता है, परंतु ये वापस आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ये सफल हो गया, आपने दबाया और वो रसोली चली भी गई, तो भी उसके वापस दोबारा आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा जो एक तरीका हम लोग आमतौर पे काम में लेते हैं वो एस्पिरेशन है। हम एक सुई डाल के जो पानी है उसको बाहर सीज सकते हैं, जिससे जो आपकी वो गैंग्लियोन सिस्ट है वो दब जाएगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, नॉन इन्वेजिव तरीका है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, परंतु इसके जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें भी वापस दोबारा रसोली बनने का चांस या गैंग्लियोनिक सिस्ट बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। करीबन 20-25% तक केस में या उससे भी ज़्यादा केस में ये वापस बन सकती है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसको हटाने का, अगर इसको ठीक करने का सबसे श्योर शॉर्ट तरीका क्या है, तो फिर इसका जो उत्तर होता है वो सर्जरी होता है। ओपन, मिनी ओपन या दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा अगर इस रसोली को निकाल दिया जाता है तो ये तकलीफ आपकी परमानेंटली सॉल्व की जा सकती है। इस सर्जरी में आपकी जो रसोली है उसको एन ब्लॉक पूरी की पूरी एक साथ, जो पानी है कैविटी के साथ और उसकी जो कैविटी की वॉल होती है उसके साथ ही निकाल दिया जाता है, और इसमें
दोबारा होने की चांसेस सर्जरी के बाद बाकी सब ट्रीटमेंट की तुलना में सबसे कम रहती है। जो अंदर की तरफ वाली गैंग्लियोनिक सिस्ट होती है, जिसको वोलर गैंग्लियोनिक सिस्ट बोलते हैं, उसमें फिर भी करीबन 15% तक के केसेस में दोबारा होने की चांस हो सकती है, मतलब 15% तक रिकरेंस आ सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि गैंग्लियोनिक सिस्ट के बारे में, कलाई के ऊपर होने वाली रसोली के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे पाया हूंगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।